जिस इनकाउंटर को लेकर बीजेपी और शिंदे गुट जश्न मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं और पोस्टर बैनर लहरा रहे हैं, उस इनकाउंटर पर कोर्ट ने ही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। महाराष्ट्र पुलिस से हाईकोर्ट ने सवाल पूछा कि क्या आप नॉर्मली सिर में गोली मार देते हैं या पैर हाथ में? एक आरोपी जो अनट्रेंड था, उसे चार पुलिस वाले काबू क्यों नहीं कर पाए? क्या लेदर केस से अक्षय ने पिस्टल निकाली और लोड की? पुलिस से हाथापाई में पिस्टल लोड हुई, ये यकीन करना मुश्किल है। गोली लगने के बाद अक्षय शिंदे को किस अस्पताल में लेकर गए? हम इसे एनकाउंटर नहीं कह सकते, एनकाउंटर की परिभाषा अलग होती है। गौर कीजिएगा, यहाँ बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इसे एनकाउंटर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ इसमें गड़बड़ी दिखाई दे रही है। बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस के वकील ने कोर्ट में बताया था कि जिस समय एनकाउंटर हुआ, उस समय अधिकारी वर्दी में नहीं था, पिस्तौल बाई तरफ थी। जब वो गाड़ी में बैठा था, बंदूक लॉक थी। जब अक्षय शिंदे ने हाथापाई में बंदूक खींची तो पिस्तौल अनलॉक हो गई। पुलिस की इस थ्योरी पर सवाल खड़े करते हुए कोर्ट ने एनकाउंटर में गड़बड़ी की आशंका जताई है। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को निर्देश दिया है कि फॉरेंसिक से रिपोर्ट मंगवा कर पता लगाएं कि गोली कितनी दूर से चलाई गई, सिर से गोली निकलने के बाद वो कहां गई। बता दें कि एक ओर जहां हाईकोर्ट ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार इस एनकाउंटर का जश्न मना रही है। जरा ये पोस्ट देखिए, जिसमें लिखा गया है बदला पूरा और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हाथ में हथियार लिए नजर आ रहे हैं। ऐसे पोस्टर मुंबई के कला नगर बांद्रा स्थित कई इलाकों में लगाए गए हैं। यानी बीजेपी की ओर से इशारों ही इशारों में एनकाउंटर को सही ठहराया जा रहा है। अब जरा ये देखिए कैसे जश्न मनाया जा रहा है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने ये जश्न बदलापुर के उसी रेलवे स्टेशन पर मनाया जहां बच्चियों से रेप के मामले में गुस्साए लोगों ने करीब 9 घंटे धरना प्रदर्शन किया था। इससे पहले बदलापुर में लोगों ने सड़क पर पटाखे फोड़कर शिंदे के एनकाउंटर का जश्न मनाया था। बहरहाल महाराष्ट्र की एनडीए सरकार भले ही इस एनकाउंटर को लेकर वाहवाही लेने में जुटी हो, लेकिन इस एनकाउंटर पर बॉम्बे हाईकोर्ट के सवालों ने न केवल महाराष्ट्र पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए हैं, बल्कि किसी प्लानिंग की भी आशंका जता दी है, जिसे सियासी गलियारे और गर्मा सकता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम। Oh, 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 oh